गरियाबंद जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन की बैठक का हुआ बहिष्कार। अधिकारियों के नहीं पहुंचने से नाराजगी के चलते अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति ने किया बहिष्कार। गरियाबंद जनपद पंचायत में आज उस समय हड़कंप मच गया जब जनपद में रखी गई सामान्य प्रशासन की बैठक का सभापति, जनपद अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ने बहिष्कार कर दिया। दरअसल सभी सभापति, उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष इसलिए नाराज थे क्योंकि बैठक का आयोजन करने वाली जनपद सीईओ स्वयं उस बैठक में मौजूद नहीं थी क्योंकि उनके तबादले के बाद उन्होंने छुरा एसडीएम का पदभार ग्रहण कर लिया है। सभी जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यहां पहले चार्ज देना था या फिर यहां बैठक में शामिल होने के बाद एसडीएम का चार्ज लेना था क्योंकि यहां बेहद महत्वपूर्ण सामान्य प्रशासन की बैठक आयोजित होनी थी जिसमें गरीबों की पेंशन, आय व्यय के अनुमोदन समेत 9 प्रमुख बिंदुओं पर निर्णय होना था। सभी जनप्रतिनिधि इसलिए भी नाराज थे कि पिछले कई बार की तरह इस बार भी अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी इस बैठक को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। 8 में से केवल 3 विभाग के अधिकारी ही पहुंचे थे। बैठक प्रारंभ होते ही जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति देखे कि बैठक में कोई भी महत्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित नहीं है तो इन्होंने इसका कड़ाई से विरोध किया। मौजूद अधिकारी से इस पर आपत्ति जताई और सभी ने एक मत से बैठक का बहिष्कार करते हुए कार्रवाई विवरण में बैठक के बहिष्कार की बात लिख जाते हुए बैठक कक्ष से बाहर निकल गए। जनपद अध्यक्ष ललिमा ठाकुर, उपाध्यक्ष प्रवीण यादव, जनपद सभापति वीरेंद्र कमलेश, राम सिंह नेताम, खिलेश्वरी आयाम, शकुंतला साहू, चंदा बरले, गजबाई ने इसकी शिकायत उच्च स्तर पर करने की बात कही है और कहा कि विभागों के अधिकारी इस बैठक को लेकर लापरवाही ना बरते, इसे गंभीरता से ले ताकि विकास के लिए प्रयास केवल जनप्रतिनिधि द्वारा ही नहीं दिखे, अधिकारियों की भी इसमें सहभागिता नजर आए। जनपद उपाध्यक्ष ने जल कलेक्टर से इस मामले की शिकायत करने की बात कही। सामान्य प्रशासन का आज बैठक था, संबंधित जो अपने जनपद के सीओ हैं खुद आज अपने उपस्थित नहीं हुए हैं, साथ ही जो जनपद पंचायत के एडिशनल जो सीओ हैं उसको भी अगर चार्ज दे दिए होते तो आज हम सभी सदस्यों द्वारा जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं अधिकारियों के प्रति वो नहीं होता और हम सब बहिष्कार मीटिंग कर रहे हैं जो संबंधित जो सभापतियाँ हैं अधिकारियों के खिलाफ कि सिर्फ 3 विभाग के ही अधिकारी आए हैं, पूरे अधिकारी नाराज हैं, इसलिए हम सब जनपद पंचायत सीओ के खिलाफ एवं सभी अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हैं। आज जनपद पंचायत का सामान्य सभा का मीटिंग, सामान्य प्रशासन मीटिंग था जिसमें सामान्य प्रशासन में 10 एजेंडा में चर्चा होना था। मेन मुद्दा था राष्ट्रीय परिवार सहायता, जनपद का आय व्यय का अनुमोदन होना था, लेकिन यहाँ जो जनपद पंचायत के सीओ द्वारा अभी आए हुए नए सीओ को न चार्ज दिए हैं और खुद जाके एसडीएम के पद में छुरा में चार्ज ले लिए हैं और खुद मीटिंग का सूचना निकालने के बावजूद यहाँ उपस्थिति नहीं है, साथ ही साथ कोई विभाग के अधिकारी नहीं है, सिर्फ 3 ही विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद है, इसलिए सामान्य प्रशासन मीटिंग का बहिष्कार किया गया। सामान्य प्रशासन का बहिष्कार जब तक के जनपद पंचायत के सीओ यहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे और समस्त विभाग के अधिकारी मौजूद नहीं रहेंगे तब तक सामान्य प्रशासन का बहिष्कार किया गया है।